अब देखें यूपी तक लाइव 24/7। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के साथ दुर्व्यवहार और सुरक्षा में सेंध का एक बड़ा मामला वाराणसी से सामने आया, जहां वाराणसी में देर रात कैंट इलाके में स्थित एक होटल प्रबंधन ने होटल के रूम से तेज प्रताप यादव का न केवल उनकी अनुमति के बगैर कमरा खोला, बल्कि कमरे के बगल में ठहरे सुरक्षा कर्मी और सहायक लोगों का सामान निकालकर रिसेप्शन पर भी उठाकर रख दिया। इस घटना की वजह से देर रात को ही बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव को होटल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उनके निजी सहायक ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में भी की। आपको बता दें कि वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट इलाके में स्थित होटल अकाडिया में ठहरे बिहार सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को देर रात होटल छोड़ना पड़ा। इसके पीछे वजह थी कि होटल के लोगों ने न केवल उनका कमरा बगैर उनकी परमिशन के खोला, बल्कि उनके बगल के कमरे में ठहरे सुरक्षा कर्मियों और सहायकों का सामान भी कमरा खोलकर निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया। घटना के बाद जैसे ही काशी भ्रमण करके तेज प्रताप यादव अपने होटल पहुंचे, तो वो काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने देर रात ही होटल छोड़ने का फैसला किया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शिकायत संबंधित सिगरा थाने में उनके निजी सहायकों ने की। तेज प्रताप यादव के एक समर्थक प्रदीप राय ने बताया कि घटना मंत्री तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में चूक है, इसीलिए इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि होटल वाले इस करतूत के पीछे की वजह बताएं कि होटल के कमरे की बुकिंग एक दिन की थी। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी जो अपने मित्र हैं वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात तो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे को के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को FIR भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। क्या मालूम चला कि कौन लोग थे वो लोग? होटल के GM का भी चेहरा उस CCTV फुटेज में आया है। क्या कुछ बातें हुई आप लोगों से? बातें हुई उन्होंने बताया कि कमरा, उनका कहना था एक कमरा एक ही बुक था आज के लिए, जबकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई फ़ोन किया गया था और बिना जानकारी दिए ऐसा कृत किया गया। तो सीधे सीधे मंत्री जी की सुरक्षा को लेकर ये मामला बनता है। और अभी वो कहाँ गए? अभी वो काशी विश्वनाथ, जैसा वो बता गए हैं, मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। उनके साथ और भी कुछ लोग थे या कुछ कहने वाले थे कि मीडिया से बातचीत के लिए? पुलिस क्यों उनको मना कर दी? पुलिस ने मना नहीं किया, उन्होंने अपना एक FIR दी है और उसकी कॉपी मीडिया को भी दी गई है। होटल के कमरे से सामान निकालकर बाहर रखे जाने पर तेज प्रताप और उनके समर्थकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी को सूचना दिए या फिर बिना किसी को बताए कमरा कैसे खोला गया, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।